बॉस शाहरुख खान ने ना एक बात तो बिल्कुल सही कही है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो अभी मन्नत तो ऑलरेडी शाहरुख खान का हो चुका है, हम अपना जन्नत बना लेते हैं। हाँ पता है जन्नत जैसा लग नहीं रहा है, अभी सब टूटा फूटा हुआ है, पर एक्साइटमेंट इतनी है ना आप सबको दिखाने की। हर्ष हम आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं अपनी सपनों की दुनिया में, और हम आप सबको भी लेके जाने वाले हैं अपनी सपनों की दुनिया में। ये एक ऐसी सपनों की दुनिया है जो हमने मम्मी पापा के लिए, अपने बेबी के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करी थी। अरे अपने लिए भी तो बनाई है। अपने लिए तो बनाई ही है, बट मम्मी पापा और बेबी के लिए स्पेशली। यार मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, चलो लेके चलते हैं। लेट्स गो। सच बताऊं, बचपन में देखा था एक ख्वाब। नहीं एक बात बता, ये भी तूने बचपन में ख्वाब देखा था? पिछला घर लिया था तब भी बोला था कि बचपन में देखा था एक ख्वाब। यार सच्ची बताऊं, ये तो नहीं देखा था। मैंने सोचा ही था मैं खुद का विला बनाऊंगा, विला। अनबिलीवेबल। नहीं यार कुछ वर्ड्स ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता। तो रहने दो फिर। मन तो कर रहा है खुद ही काम करके जल्दी से जल्दी इसको बना लूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं भी अपनी फीलिंग्स बताती हूं। एक्चुअल में ना हमने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी हम एक और घर की तलाश शुरू करेंगे, एक और बार फिर से वही जंग लड़ेंगे, फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसा सोचा कि अभी तो यार पूरी फैमिली को साथ रहना है, तो कुछ ऐसा ढूंढे सॉलिड, इसके बाद ना दोबारा चेंज करने की जरूरत ना पड़े। क्या सोच है रे तेरी? बड़ा ज्यादा दिमाग लगाया, 2 साल से घर ढूंढते रहे, कुछ समझ नहीं आया। फाइनली ये लोकेलिटी समझ आई, फाइनली ये घर समझ आया। इतनी ब्यूटी, इतनी ग्रीनरी। थोड़ा सा ना आपको बताती हूँ कि हमारा प्लान क्या है। अभी तो यहाँ पे सब पत्थर पत्थर है। लोग वैसे ना देखो ड्रीम हाउस टूर करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कमरे दिखाते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4 दीवारें दिखाने वाली हूँ, टूटे दरवाजे दिखाने वाली हूँ, ईंटे पत्थर दिखाने वाली हूँ। पर ये ईंटों पत्थर से मकान जो घर बनाएंगे हम, वो देखने में बहुत मजा आने वाला है, पूरा प्रोसेस। क्या बात है? चलो दिखाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पानी आ रहा है। अरे तो क्या हो गया? आ रहा है। तो पानी तो आएगा। मेरे को नहीं था कि पानी भी आ रहा होगा यहाँ पे अभी। यार तो ये हमारा घर है। ये होगी इसकी मैसिव एंट्रेंस, बड़े बड़े दरवाजे लगेंगे और ऐसे एकदम यूं खुलेंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर ये सारी दीवारें हटा देंगे। ठीक है। बड़ा सा हॉल, पिछू से अखा खुल्ला पूरा। हाँ बड़ा ग्रैंड सा मैसिव एक हॉल बनाएंगे। राइट साइड में किचन बना देंगे। ठीक है, किचन वैसे यहाँ पे अभी इसकी, पर हम इस किचन को तोड़ के पूरा मैसिव ये हॉल बनाने वाले हैं, काफी बड़ा। और आई थिंक ओपन ही किचन रखेंगे कुछ साइड में। तो हमने डिसाइड कुछ ऐसे करा है कि फर्स्ट तो हमारी स्टिल पार्किंग होगी, उसके ऊपर मम्मी पापा, उसके ऊपर मेरा फ्लोर, उसके ऊपर हर्ष का फ्लोर, उसके ऊपर बेबी का फ्लोर। आपको पता है हमारा बंगला कितना बड़ा है? और जी इतना बड़ा कि हमको एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल यूज करना पड़ता। इसका क्या मतलब हुआ प्रेरणा? हम अलग अलग रहेंगे और बेबी भी अलग होगा। यार सबको एक एक फ्लोर मिल रहा है ना, हम 4 फ्लोर्स बनाएंगे, ऊपर टेरेस बनाएंगे, ऑल इंक्लूसिव प्लान सोचे जिसमें ना सबको एक एक फ्लोर होने वाला है। मतलब बच्चा अगर रोएगा तो फिर वो हमें आवाजें मार मार के बुलाएगा? नहीं, वो दादा दादी को आवाजें मारेगा, दादा दादी मुझे संभाल लो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। जोक है, मैं जोकिंग। 4 फ्लोर बनाने तो चारों का कोई ना कोई मालिक तो होना ही चाहिए। बात तो सही है, अभी तो बिल्कुल रॉ है, पता नहीं क्या क्या करेंगे इसमें, कितना वक्त लगेगा, कितनी प्लानिंग होगी, कितनी सोच बैठेगी, आर्किटेक्ट्स बैठेगी। अच्छा बनाएंगे एकदम मैसिव विला टाइप। ये भी एक हॉल रूम है इसका। हॉल कितने हॉल बनाने तुझे? नहीं ये रूम बनाएंगे। अभी हम करने के वाले हैं कि ये पूरा तोड़ने वाले हैं, पूरी दीवारें हट जाएंगी यहाँ से, सब कुछ क्लीन, सब जीरो होने वाला है, और फिर यहाँ तक ना हम पूरी कवरेज करने वाले। इसके अंदर बनाएंगे क्या पता ही नहीं, कुछ डिजाइन ही नहीं समझ में आ रहा, इतने सारे डिजाइन है। यार मुझे यकीन सर ना, सच्ची में घर हमारा ही है ना ये? यार हमारा है यार, करके दिखाया हमने भी। मैं सही बताऊं, मुझे ना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है बेबी की नर्सरी बनाने की। हमने डिसाइड किया कि एक पूरे फ्लोर पे ना एक बड़ा सा रूम बनाएंगे और एक बड़ी सी नर्सरी बनाएंगे। उस फ्लोर पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नर्सरी। नर्सरी के अंदर एक ना फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, जैसे एलिस वाला होता है, बॉय हुआ था उसके अकॉर्डिंग कोई नॉडी वाला हो गया, और मतलब ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ना थीम्स देंगे। उसके अंदर एक टॉय स्टेशन बनाएंगे, मतलब बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन है, बहुत कुछ सोच रखा है। ऊपर लेके चलते हैं आपको, ऊपर देखते हैं, दिखाते हैं कि एग्जैक्टली छत से कैसा लगता है, और आगे यहाँ पे कम्युनिटी लोकैलिटी कैसी है वो दिखाती हूँ। भाई सुपर्ब है, इतनी शांति। आज सैटरडे के दिन हम फिल्म कर रहे हैं, बाहर ऐसे लग रहा है जैसे इतनी शांति बंदे ही ना रहते हो। मोर भाग रहे थे ना अभी, पूरे मोर। अभी एक ये वाला कमरा भी है, ये भी अभी ऐसे ही पड़ा है अभी, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है अभी, कराएंगे रिपेयर कराएंगे अभी। तो रिपेयर नहीं कराएंगे, सब तोड़ देंगे, सब तोड़ के बनाएंगे, सब तोड़ देंगे। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, ताकि स्पेस पता लगेगी कितनी है, उसके बाद सारा कंस्ट्रक्ट कराएंगे। स्पेस तो बहुत है यार, स्पेस तो इतनी है कि 5 बंदे ना एक एक फ्लोर पे भी होंगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। आओ ऊपर लेके चलते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या करना है। जो इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, इन्होंने नीचे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.5 रूम बनाए हुए हैं, हॉल बनाया हुआ है, किचन बनाया हुआ है, ये ओपन छोड़ी हुई है। भाई काफी बड़ी टेरेस है, नीचे से हमारा घर दिख सकता है आपको, साइड से बिल्डिंग्स भी दिख सकती है। यहाँ इसके पीछे एक स्टोर रूम भी बना हुआ है।
अच्छा हाँ। मैंने नहीं देखा आज तक। ओ ये स्टोरेज की जगह बनाएंगे, बच्चे के सारे टॉयज वॉयज यहीं फेंक देंगे। ये बनेगा दोबारा से भाई पूरा। अच्छा ये सीढ़ी क्यों रखी हुई है, हमें क्या करें, गिर जाएगा गिर जाएगा, पागल पागल जाऊंगा काम से। हाँ वापस आ जा वापस आ जा वापस आ जा। अरे भाई ऊपर क्या है यार, वैसे वापस आहर कुछ तो होगा ना ऊपर भी, क्या पता कुछ बना। ऊपर हॉरर वीडियो शूट करने का प्रबंध है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वापस आ जा अगली बार देखेंगे जब शूट करनी होगी। यहाँ से दिखाती हूँ आपको व्यू कैसा लग रहा है, एकदम शांति, बिल्कुल ही शांति है, शांति ओम शांति शांति। और यहाँ से घर देख सकते हो। अच्छा ठीक है। हर्ष यहाँ पे अभी भी खेल खेल रहा है, कभी टाइले उठाता है, कह रहा है मैं खुद ही यहाँ पे अभी स्टार्ट कर देता हूँ काम करना। मेरा ना पता है सच में मन कर रहा है इसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करा के ना यहाँ रहना शुरू कर दें थोड़े टाइम के लिए। नहीं 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 ये ना पैसे बचाने की बात कर रहा है, मैं अब ना एक ही बार यहाँ पे आने वाली हूँ, फिर वैसा ही बनाएंगे जैसा हमने हमेशा अपना ड्रीम होम सोचा था। एक्चुअली सोचा नहीं था, अब सोचना स्टार्ट कर देते हैं यार, अब तो मौका। हाँ ये कर लो पहले। चलो आपको दिखाते हैं लोकेलिटी, यहाँ के मोर और यहाँ के सुंदर सुंदर गार्डन जिसकी वजह से हमने ये एक्चुअल में घर फाइनल किया। हमें ना एक मेन चीज थी कि मम्मी पापा को ना गार्डन जरूर देना है, मतलब उनको यार अब उनकी एज है कि वो वॉक कर सके आराम से, पार्क में बैठ सके, धूप से के अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ मजे कर सके पार्क्स में। तो हमने घर ही ऐसा लिया है जो पार्क फेसिंग है, सामने एक पार्क है पीछे भी एक पार्क है। चलो लेके चलते हैं आपको, घर दिखाते हैं। यहाँ हमने अपनी कार पार्क तो करी बस हुई है, घर से बाहर निकलते ही दो कदम चलने हैं, सामने पार्क है, यही हमारी कंडीशन थी मेन। पार्क की सैर कराएं आपको, आ जाओ प्रेरणा। बस करा ली सैर, हाँ बैठ गया थक गया और क्या। मैं दिखाती हूँ यार ये तो थक गया। तो ये पूरा पार्क है और वो पार्क फेसिंग हमारा घर है पीछे, ब्यूटी ब्यूटी है आसपास एक्चुअल में। यार शांति इतनी है ना, ऐसा लग रहा है कोई भी आके ना अभी डांट देगा कि तुम इतनी तेज क्यों बात कर रहे हो, मुझे खुद भी बोलने में ऐसा अजीब लग रहा है। हर्ष हमें जो आदतें पड़ी हुई हैं दिल्ली की सड़कों की, अरे सब बदल जाती है आदतें। तो ये वाला शांत पार्क आपने देख लिया, अभी दूसरा वाला दिखाते हैं जो बेबीज के लिए, ये तो मम्मी पापा के लिए बहुत बढ़िया है। अभी बेबी वाला पार्क दिखाते हैं जहाँ झूले हैं और बहुत सारी ब्यूटी है, लेके चलते हो आपको, लेट्स गो। तो ये है एक और मैसिव पार्क, वैसे तो और भी बहुत सारे पार्क है इसमें लगा हुआ है, इतना अल्टीमेट सा स्विंग। हर्ष बच्चों के लिए होता है, हर्ष छोटे बच्चे हो क्या, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। हर्ष कम्युनिटी वाले तेरे को निकाल देंगे पता है, अभी तो मैं छोटा बच्चा ही तो हूँ। ये नहीं सुधरने वाला, ये देखो यार इसका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। आगे ना पानी होना चाहिए ताकि स्लाइड करके सीधा पानी में जाए, जब यहाँ रहने लग जाएगा ना ये प्रस्ताव दे दियो इनको। यार ये क्या कर रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी के साथ खेलने के लिए ना, शांति शांति ऐसा लग रहा है, मन को निर्वाणा की प्राप्ति हो रही है ना। तेरे को हमेशा शौक था ना इसे कबाना में बैठने का। एग्जैक्टली यहाँ पे हम शाम को बैठेंगे आराम से, हाई टी करेंगे, टी कॉफी पार्टी। तो घर देखते हुए ना हमारी सिर्फ तीन मेजर रिक्वायरमेंट्स थी, सबसे पहली मम्मी पापा के लिए पार्क बहुत मैंडेटरी था, नंबर टू हमें बेबी के लिए सिक्योरिटी देखनी थी कि अगर वो बाहर कहीं घूमे तो ऐसा ना हो सीधा रोड पे भाग जाए और सिक्योरिटी ना हो, नंबर थ्री हमें स्टूडियो स्पेस चाहिए थी अच्छी ताकि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमें तीनों चीजें मिल गई और अभी यहाँ बैठे बैठे बर्ड्स की आवाज सुनते हुए मैं काफी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि यार मैं मुझे नहीं पता हम डिजर्व करते हैं ये या नहीं, बट हमने काफी मेहनत करी है। आई नो सब मेहनत करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में कुछ अटेन करने के लिए, बट सीरियसली जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, फेथ भगवान में रखना बहुत जरूरी है, और मैं इसी नोट पे मतलब यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू गॉड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल जो हमारे को देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, इतना प्यार देते हो, पता नहीं आपको हम में क्या अच्छा लगता है पर बहुत दिल से खुशी होती है जब हम एक्चुअल में आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, आपके इतने मैसेजेस रिप्लाईज, इतना मतलब थैंक यू दिल से, बहुत ही दिल से थैंक यू सचिन, दिल से प्रेरणा। मैं सीरियसली एक बात बताऊं, यहाँ वॉक करते करते ना मेरे को ना मतलब कुछ बातें याद आ रही हैं, मतलब जैसे हमारी कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, अपने रूम में हम वीडियो शूट करते थे रात को चार बजे जब हम शूट करते थे तो 5 बजे लोगों की मोटर ऑन हो जाती थी और हम इतना परेशान होते थे, हम सो नहीं पाते थे ना, वीडियो शूट कर पाते थे, 1 घंटा वेट करते थे कि मोटर की आवाज बंद हो उसके बाद हम शूट करेंगे, और फिर मैं 9 बजे उठ के ऑफिस चलाता था ड्राइव करके 1.5 घंटा। तो बड़ी मेहनत करी, जहाँ हम रहते थे उसको पूरा कन्वर्ट किया और उसको स्टूडियो बनाया शूटिंग वगैरह के लिए। जब हमने एक्चुअल में हाउस हंटिंग सीरियसली शुरू करी थी ना, हर्ष ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि बाहर इतने सारे और भी कम्युनिटीज हैं, इतने सारे एरियाज हैं, वहां ले ले। भाई मैं भी अटक गई, जब मैंने ये वाली लोकेलिटी देखी ना मैंने कहा अभी रहना है तो यही रहना है, नहीं तो मुझे नहीं लेना हर्ष भाई। और कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन में एक पावर होती है, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन से देख लो यार बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है, यहाँ पे मिल ही गया यार कुछ ना कुछ। जीरो थी यहाँ की, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अशोक जी जो है हमारे डीलर उनसे हमने बात करी, फोन भी नहीं उठा रहे थे, हमने कहा चल चलते
मिलते हैं चलते हैं, बात कर लेंगे और उसी दिन मिल गया उसी दिन बात होगी। आज हर्ष के घर मिल रहा है, कल ये नहीं मिलेगा, आज ही चलते हैं बात करते हैं। ये भी पूरा मन बना के आया हुआ था कि यार ठीक है अभी मिलेगा तो हम पक्का ले लेंगे, हम रह लेंगे ना हर्ष यहाँ पे, रह लेंगे यार। तो चलो आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, पर अभी के लिए ये था हमारा न्यू हाउस रिवील। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।